हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ 10th बोर्ड और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर मैं आज आप सभी के साथ लेकर आई हूँ वीडियो, एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंग्लिश और एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, या फिर स्पोर्ट्स या फिर गेम्स, दोनों एक ही चीज होती है। थोड़ी थोड़ी दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों पे जो एसे आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 मार्क्स के लिए इंग्लिश में पूछा जाता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 10th बोर्ड एग्जाम के लिए और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इसमें मैं आज आप सभी के साथ वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, इसे मैं हिंदी में आपके साथ एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सारे भाई बहनों के साथ, जो कि छोटे हैं, बड़े हैं, जो कि 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंग्लिश, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन इंग्लिश, जो कि 10th या 12th बोर्ड दोनों के लिए काम आने वाला है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। इट इज सेड दैट एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट स्पोर्ट्स। जो खेल कूद है हमारी जिंदगी में, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि एजुकेशन के जितना एजुकेशन, स्पोर्ट्स के बगैर अधूरी है। इसीलिए ही आप सभी जानते होंगे कि हमारे स्कूल्स में एक पीटी का पीरियड होता है, क्योंकि जब तक बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, उनका दिमाग विकास नहीं करेगा तो फिर वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, ये होती है बात। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट कीप अस फिजिकली एक्टिव एंड हैंस अवे फ्रॉम मेनी डिसीजेस। इट हेल्प अस स्टार फ्रूट एंड हेल्दी। स्पोर्ट से हमें क्या मिलता है? ओवरऑल हम डेवलप होते हैं, खेल कूद करते हैं, उछलते कूदते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है फिजिकली, और इससे हम बहुत सारी डिसीज से, यानी बीमारियों से लड़ सकते हैं। इससे हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है और हम बहुत सी बीमारियों से लड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, When students remain physically fit, they can achieve more in study. It plays make Jack a dull boy. It is play makes Jack a dull boy. जब एक बच्चा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, अगर एक बच्चा physically fit रहेगा, मतलब उसका सर बार बार दुखेगा नहीं, आंखें उसकी दर्द नहीं करेंगी, अगर वो खेलेगा कूदेगा, उसका दिमाग एक्टिव रहेगा, तो उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई करके थकेगा नहीं। So, जिसके वजह से वो ज्यादा अचीव कर पाएगा स्टडीज में। इससे एक डल बॉय को बहुत ज्यादा एक जैक मिल जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है जो खेलता कूदता नहीं है, उससे एक बच्चा है जो खेलता कूदता भी है और पढ़ता लिखता भी है, वो ज्यादा अच्छा अचीव कर पाएगा, यानी अच्छी मार्क्स ला पाएगा, अच्छा स्कोर कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ बेनिफिट, स्पोर्ट टीचेस अस अलॉट अबाउट लाइफ। इट टीचेस अस टीम वर्क, हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स एंड अचीव अ कॉमन गोल। पढ़ाई लिखाई और हेल्थ से अलग होकर भी हम सोचे तो स्पोर्ट्स से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जिंदगी के बारे में, जैसे कि टीम वर्क हो गया, कि एक साथ, क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं जो अकेले भी खेलते हैं और बहुत से स्पोर्ट्स हैं जिसमें टीम वर्क जरूरी होता है, जिससे हमें स्पोर्ट्स सिखाते हैं कि टीम के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं और किस तरीके से एक कॉमन गोल बहुत सारे लोग मिलकर किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, जिससे हमें टीम वर्क करना और बहुत सारे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब सीखने को मिलता है। यंग पीपल कैन हैव अ ब्राइट करियर इन स्पोर्ट्स, पर्सन विल डेफिनेटली लीड हिज लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो लोग यंग है, यानी कि बच्चे हैं अभी, उन लोग अगर शुरू से एक खेल के मुताबिक अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट होता है, करियर रहता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है जिसमें जॉब भी मिलती है। स्पोर्ट अगर कॉमनली खेले, जैसे क्रिकेटर बन जाए या फिर एक वेरी फेमस फुटबॉलर बन जाए, जो भी कोई भी स्पोर्ट में आगे बढ़े, तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा करियर भी बन सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है स्पोर्ट पर्सन के लिए के अंदर। टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड ऑल्सो एनकरेज चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। सभी टीचर्स को और सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में यानी कि खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। वी मस्ट रेगुलरली टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट टू स्टे फिट एंड फाइन। जो भी कोई बच्चा या फिर कोई यंग इंसान पार्टिसिपेट करता है किसी स्पोर्ट्स में, तो वो उसको रेगुलरली फिट रहने की एक प्रेरणा देता है। अगर आपको गेम खेलना है, कोई गेम, अगर कोई बच्चा या फिर कोई अडल्ट इंसान जो क्रिकेट पसंद करता है, वो क्रिकेट के मुताबिक अपने आप को हमेशा फिट रखेगा, रोज जॉगिंग करने जाएगा, सुबह जल्दी उठेगा। स्पोर्ट पर्सन लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन होता है कि उन्हें अपने स्पोर्ट के प्रति, अगर वो अच्छे से फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे, तो वो स्पोर्ट्स को अच्छी तरीके से ना खेल नहीं पाएंगे, और जो इंजॉय करते हैं स्पोर्ट्स को,
जैसे अगर कोई क्रिकेटर ही क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेट को एंजॉय करता है, वो इंसान हमेशा फिट रहेगा ताकि वो कभी भी जब उसका दिल चाहे वो क्रिकेट खेल सके। अगर वो मोटा ताजा हो जाएगा, ओबेसिटी जैसी जो सबसे बड़ी बीमारी है, अगर वो आ गई तो फिर वो कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। इसकी वजह से वो हमेशा फिट एंड फाइन रहने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग जुड़े रहिए पंडोले स्टडीज के यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी और आपसे छोटे या बड़े लोग जो 10th या 12th एग्जाम दे रहे हैं वह सभी इस वीडियो को देख ले। और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको ये समझाया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।